फ्रेंड्स गर्भवती होती है और जब उसे इस खबर का पता चलता है तो उसके मन में हमेशा सबसे पहले दिन से ही ये ख्याल आने लगता है कि आने वाले 9 महीने कैसे रहेंगे और क्या उसकी डिलीवरी नॉर्मल हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। इसीलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी चीजें जिन्हें अगर आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान करती हैं तो यकीनन आपकी डिलीवरी नॉर्मल होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका बेबी स्वस्थ रहे और आपकी डिलीवरी का जो पीरियड है वो अच्छे तरीके से पूरा होकर आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाए तो उसके लिए आपको सबसे पहले समय समय पर अपने सारे चेकअप करवाने होंगे। जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसे समय समय पर अलग अलग चेकअप्स के लिए हॉस्पिटल में या फिर डॉक्टर के क्लिनिक में बुलाया जाता है। एक भी चेकअप को मिस मत करिए और हमेशा अपने हस्बैंड या फिर परिवार के किसी सदस्य को लेकर ही जाइए, क्योंकि आप घर में छोटी हैं। अगर आप अपने घर से किसी बड़े सदस्य को अपने साथ लेकर जाती हैं, जैसे कि आपकी सासू माँ या फिर आपकी कोई बहन जो कि आपसे बड़ी हो, तो ऐसा करने से आपको सहयोग भी मिलता है और आपको काफी नॉलेज भी होती है, जिसकी वजह से आपको किस तरीके से चलना है, किस तरीके से बैठना है। अगर आप सीढ़ियों से उतर रही हैं तो आपको किस तरीके से ध्यान रखते हुए सीढ़ियों से उतरना है, ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से पता चलती हैं और ये सारी चीजें नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। अगर आप पैदल भी चल रही हैं तो आपको ज्यादा देर तक पैदल चलने की जरूरत नहीं है। शुरुआती दौर में आप हल्के फुल्का व्यायाम कर सकती हैं और अच्छे से अच्छी डाइट पर फोकस जरूर करिए। फल आदि का सेवन ज्यादा से ज्यादा करिए, ड्राई फ्रूट्स का सेवन करिए, गलती से भी तिल का सेवन मत करिए क्योंकि वो काफी ज्यादा गर्म होते हैं। अगर आपको अनानास यानी कि पाइनएप्पल बहुत पसंद है तो इसे भी थोड़े दिनों के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि पाइनएप्पल इतना ज्यादा गर्म होता है कि अगर उसकी सही मात्रा को कंज्यूम ना किया जाए तो वो मिसकैरेज का कारण भी बन जाता है। इसी के साथ साथ आप अपनी दवाइयों को टाइम पर लें और अपनी डाइट पर फोकस करें। सो दोस्तों, ये कुछ आसान से तरीके हैं जो आपकी डिलीवरी को नॉर्मल बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। इन्हें ट्राई जरूर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।